दोस्तों हाल ही में प्रेम चोपड़ा ने एक इंटरव्यू में राजेश खन्ना के डाउनफॉल के बारे में कुछ खुलासा किए। दोस्तों प्रेम चोपड़ा और राजेश खन्ना ने साथ में करीब 19 फिल्में की थी। प्रेम जी ने कहा कि राजेश ये मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे थे कि उनकी फिल्में फ्लॉप हो रही है। जिस इंसान ने 3 साल लगातार 15 हिट फिल्में दी हो वो भला कैसे मान पाएगा कि उनकी फिल्में फ्लॉप पर फ्लॉप हो रही है। राजेश जी को अपनी फिल्में साइन करने के लिए प्रोड्यूसर्स की लाइन लगी रहती थी, पर कई लोग उन्हें गलत समझ बैठे थे। राजेश एक इमोशनल इंसान थे, उनकी खुद की अपनी कुछ दिक्कतें थी। मैं ये नहीं जानता कि आखिर उन्हें दिक्कतें क्या थी, पर इतना जरूर है कि इन परेशानियों के चलते राजेश ने स्टारडम खो दिया था। कई बार राजेश को वो फिल्में भी ऑफर होती थी जिसमें वो फिट नहीं बैठते थे। जो फिल्में राजेश के हाथ से चली जाती वो अमिताभ बच्चन को मिलती और वो उन रोल्स को करने के लिए तैयार हो जाते। अमिताभ ने कई रोल्स ऐसे किए जिसमें वो हीरो नहीं बल्कि एक साइड रोल में नजर आए, लेकिन राजेश हमेशा हीरो का रोल करना चाहते थे, इसलिए वो फिल्में करने से मना करते गए। उनका स्टारडम देखते ही देखते नीचा गिरता चला गया और वो निराश होने लगे थे।